रज्जो, ओ रज्जो, अरे जल्दी खाना ले आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, खाना बनने ही वाला है। अरे मैं पहले से ही लेट हो चुका हूँ और तुम्हारे खाने के चक्कर में और लेट हो जाऊंगा। तुम एक काम करना, वहीं लेकर आ जाना खाना। चलो ठीक है, ऐसा कर लूंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। नमस्ते मालिक। अरे रामू, आ गया तू? जी मालिक। जा ढोरों को नहला दे और निहार डाल देना उनको। ठीक है मालिक। अरे भाभी जी, तुम कहाँ जा रही हो इतनी धूप में? वो मैं ना तुम्हारे भाई को खाना देने जा रही थी। अरे भाभी लाओ, मैं उधर को जा रहा था, मैं ही दे दूंगा, लाओ खाना। ना ना, वो नाराज हो जाएंगे, मैं ही दे के आऊंगी खाना। तो अच्छा, तो आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें उधर ही छोड़ दूंगा, आ जाओ। ठीक है। ये क्या करने आया था यहाँ? वो भाई साहब यहाँ से गुजर के जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा, तो मैं आ गई। हाँ चल ठीक है, ला खाना दे और घर जा। ठीक है, खाना खा लेना। ठीक है। अरे रामू, क्या जी कर, मालिक, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हाथ धो रहा था खाना खाने के लिए। बैठो। रामू कौन थी ये? ये मालिक मेरी पत्नी थी। तुम्हारी पत्नी? जी मालिक। यार ये तो बहुत खूबसूरत है, वैसे करने की आई थी ये इधर? मालिक ये खाना देने आई थी मुझे। अच्छा खाना देने, हमें नहीं खिलाओगे अपनी पत्नी के हाथों से बना हुआ खाना? अरे मालिक कैसी बातें कर रहे हो, आप तो बड़े आदमी हो, आप हम जैसे गरीब के घर का खाना कैसे खा लोगे? अरे रामू कैसी बात कर रहा है तू? तू हमारे इस घर में काम करता है तो ये नहीं कि तू हमारे इस घर का नौकर है। अरे तू भी हमारे इस घर का एक सदस्य है। और हाँ एक और बात, आज के बाद तू अपने घर पैदल नहीं जाएगा, मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा। अरे यार तू पूरा दिन तो काम करता रहता है, बहुत थक जाता होगा ना तू, तो आज से मैं ही तुझे तेरे घर छोड़ने जाऊंगा, ठीक है? अरे मालिक आप क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? अरे नहीं रामू, कैसी बात कर रहे है तू, तू हमारे इस घर का सदस्य नहीं है, ठीक है? ठीक है मालिक। चलो काम कर लो। अब फंसी चिड़िया जाल में। आराम से रामू, आराम से। अरे कोई है घर में? अरे कहाँ गए सब घर के, जरा बाहर आओ। अरे साहब जी आप, और इन्हें क्या हुआ? पता नहीं आज रामू ने कहाँ इतनी दारू पी ली, और देखो इसने अपने पैर में चोट भी बहुत मार ली है। इन्होंने दारू पी? हाँ, इनके पैर में चोट भी बहुत ज्यादा लग गई है, मुझे तो लगता है शायद अब ये चल भी नहीं पाए। हे भगवान, ठीक है आप यहाँ तक ले आए उसके लिए धन्यवाद। हाँ
ठीक है, अब आप जाइए यहाँ से। हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे। वैसे आप खूबसूरत बहुत हो। ठीक है अब जाओ आप यहाँ से, मैं इनको कुछ। ठीक है मैं चलता हूँ। आपने अपनी कैसी हालत बना ली, आज से पहले तो तुमने कभी दारू नहीं पी, और हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं, घर का चूल्हा भी पता नहीं कैसे कैसे चलता है, और तुमने अपने पैर में चोट मार ली, अब इसका खर्चा कैसे होगा? पता नहीं भगवान भी किस कर्मों की सजा दे रहा है इतनी, कितने और इम्तिहान लेगा। अब कैसा है तुम्हारी टांग का दर्द? अब ठीक है। तुम्हें पता है रात तुम बहुत नशे में थे, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था अपना। रज्जो मुझे कुछ भी नहीं पता रात मेरे साथ क्या हुआ, मैंने दारू कैसे पी, मेरी टांग कैसे टूटी, मुझे कुछ भी नहीं पता। रज्जो मेरा सर अभी भी घूम रहा है। रज्जो तुम एक काम करो, मेरी जगह आज तुम काम पर चली जाओ, मेरी टांग में बहुत दर्द है, मैं काम पर नहीं जा सकता। क्या मैं काम पे चली जाऊं? लेकिन जो तुम्हारे मालिक है ना, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगते। जब वो रात तुम्हें छोड़ने आए थे ना, जब तुम नशे की हालत में थे, तो वो ना मुझे बहुत गंदी गंदी निगाहों से देख रहे थे। अरे रज्जो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मालिक ऐसे नहीं है, मालिक तो बहुत अच्छे हैं। रज्जो तुम काम पर चले जाओ, नहीं तो मालिक नाराज हो जाएंगे। चलो ठीक है, जब तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। ठीक है। खाना खा लेना टाइम। ठीक है। अरे मालिक आप? अरे आज तुम आई हो, रामू नहीं आया? हाँ वो ना, वो रात उनके पैर में चोट लग गई थी ना, इस वजह से उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मैं आ गई। मालिक मैंने ढोरों का निहार, उनका नहलाना धुलाना सब कर दिया है, बस झाड़ू रह गई, इसे करके मैं चली जाऊंगी। अरे है कोई से? तुम भी ना कितना काम कर रही हो, आओ पहले बैठो। अरे यार मेरी बात तो सुनो, ये हाथ काम करने के लिए नहीं है, ये तो प्यार करने के लिए है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, सोरत है, बंगला है, सब कुछ है, अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा भी हो सकता है, बस तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। मालिक ये आप कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी तो इतनी अच्छी बीवी है और मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने पति से भले ही वो गरीब है बहुत प्यार करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका रुपया पैसा। अरे ऐसे पति का क्या फायदा जो तुम्हें दो टाइम की सही से रोटी ना दे सके, तो ऐसे पति का क्या फायदा? देखो अगर तुम मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुनो तो सही, छोड़ो मुझे। अरे मैंने कहा छोड़ो मुझे। सुनो आप, छोड़ो मुझे। बच गई,
लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तुझे एक ना एक दिन तो मेरे पास आना ही है। अरे भाभी जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जहाँ पे तुम्हारे भाई काम करते हैं ना। हाँ क्या हुआ? मैं वहाँ पे काम करने गई थी तो उनके मालिक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो रामू के रात चोट लग गई थी तो वो इसलिए काम पे नहीं आ पाए। उनके चोट कैसे लग गई? वो ना रात को दारू पी के आए थे और दारू तो पीते ही नहीं है वो, पता नहीं रात कैसे कैसे पी ली। और जब उनका मालिक उन्हें छोड़ने आया तो वो मुझसे बहुत गंदी निगाह डाल रहा था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मालिक छोड़ने गए थे भैया को? अच्छा भाभी जी, आप समझ गया मैं। लेकिन अब क्या हुआ वहाँ पर? जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरे पास आए और मुझसे ना बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगे। फिर तो उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर मैं भाग आई। अब समझा मैं, वो दारू भैया ने नहीं पी थी, वो मालिक ने ही पिलाई थी। अब तुम एक काम करो, उनके घर दोबारा जाओ। दोबारा? लेकिन कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा भाभी, इतना भरोसा करो मुझ पर। मैं पीछे से पुलिस लेकर आता हूँ, उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। ठीक है। मालिक, मालिक, अब क्या लेने आइए यहाँ? वो मालिक साहब कहते हैं ना कि जिंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो मैं तैयार हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। तुम तैयार हो तो आओ फिर चलते हैं ना। अरे मालिक साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? कहते हैं सबर का फल बहुत मीठा होता है, फिर तो मैं मान ही गई हूँ, तो क्यों ना पहले कुछ बातें करते हैं। बस अब ये सबर ही तो नहीं होता, थोड़ी बातें करते हैं। आइए वहां बैठते हैं। आओ मेरी जान, आओ बैठो। अच्छा एक बात तो बताओ, जब तुम यहाँ से गई थी तो बहुत गुस्से में थी, और अब इतनी जल्दी तुम मान कैसे गई? वो साहब जी, मानना पड़ता है, मानना पड़ता है कि अगर तुम्हें तो पता है मेरे पति के पैर में चोट लग गई, वो काम भी नहीं कर पाएगा, तो मैं कहाँ से खाऊंगी। तो इसलिए तुम्हारे पास तो पैसा भी है और तुम जानते भी हो हमें। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था, चलो कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताओ, जो सा आपने कहा था कि आप अपनी जमीन मेरे नाम कर दोगे तो कर दोगे? यार टेंशन मत लो मेरी जान, जमीन क्या, ये घर, सारी जमीन, गाड़ी, सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी कर सकती हो? ओ, तुम्हारी बीबी? अरे उसे पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा, उसे तो मैं वैसे भी डिवोर्स देने वाला हूँ। फिर मेरे पति का क्या होगा? उसको मरवा देंगे। चलो तब का तब देखेंगे ना। मेरी जान अब जल्दी से चलो, अब बिल्कुल भी सबर नहीं होता। अरे सबर का फल वो इंसान, अबे पकड़ लो इसको। सर नहीं तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब तुम्हारा, अगर तुम नहीं आते टाइम पे तो मेरे साथ तो पता ही नहीं क्या होता, और ना ही मैं इसको इसके किए की सजा दिलवा पाती। कोई बात नहीं भाभी जी, ये तो मेरा फर्ज था, चलिए घर।